हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर आज यही स्थापना दिवस था हमारे गांव का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग सब सही होंगे। और आज हमारे गांव में जो विजयपुर हत्तीबड़का नया गांव है वहां पे आज भंडारा है, क्योंकि आज संसारी माई का स्थापना दिवस है, तो आज के दिन वहां पे भंडारा होता है बहुत बड़ा। और अभी मैं हवन में जा रही हूं, मैं हवन में भी दिखाऊंगी आपको। और ये हमारी जो रीति है, ये रिवाज है, ये रीति रिवाज जो हमारा है पुराने पूर्वजों से चलता आ रहा है। हमारे पूर्वजों के टाइम से ही मतलब स्थापना हुआ होगा, उसी दिन आज के दिन हमारा यहाँ पे भंडारा होता है संसारी माई का। और मैं आपको दिखाऊंगी भंडारे में स्पेशली जो बनता है वो है हमारा खीर। और ये अभी माघ का महीना चल रहा है और अब माघ के महीने में ही ये भंडारा होता है, और मैं आपको दिखाऊंगी आगे। आप बने रहिए मेरे चैनल में। मैं आ चुकी हूँ मंदिर में, और ये है हमारे भोलेनाथ का मंदिर, प्राचीन मंदिर है ये हमारे नए गाँव में। भोलेनाथ का मंदिर है ये, और आज 29 वा स्थापना दिवस है। और आज 29 वा स्थापना दिवस है हमारे भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है। और ये हमारे गांव के दादी हैं, इन्होंने 5.25 किलो का ये घंटी आप देख रहे हैं उन्होंने आज यहाँ पे लिया है। और जो ये पाठ चल रहा है यहाँ पे 2 दिन से पाठ चल रहा है, पूरा दिन रात पूरा पाठ चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही पाठ खत्म होगा, 2 दिन में पूरा पाठ खत्म होता है, उसके बाद ही हवन होगा, उसके बाद फिर भंडारा होगा। और ये दादी हमारे नए गांव में, और इन्होंने घंटी यहाँ पे दान में दिया है आज के दिन में, कि हर विश पूरी करें। जो दिन है आप लोग सुनते हैं, ये 2 दिन से चल रहा है, पंडित जी 2 दिन से लगातार पाठ पढ़ रहे हैं। यहाँ जो भी स्लिप कटाता है, जो भी इच्छा होती है हमारे गांव वासियों की, जितनी भी इच्छा होती है, जितनी श्रद्धा होती है, उस हिसाब से लोग दान करते हैं। किसी ने यहाँ पे जैसे कि किसी ने 10 किलो आटा और तेल, किसी ने 5 किलो का खट्टी, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उसी हिसाब से यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया जाता है और पूरे गांव मिलके यहाँ पे दान करते हैं। एक घंटी और दान में आई है, ये बड़ी घंटी ये दादी से दिया है, और ये बच्चे हैं इनके, उन्होंने इतना बड़ा घंटी से एक दान दिया है। एक छोटी घंटी भी है, एक छोटी घंटी, उससे बड़ी घंटी, इससे बड़ी घंटी, ये सब दान में आते हैं, मंदिर के लिए दे रखा है सबने। यहाँ से जो भी दान देता है उसकी विधि विधान पूजा होती है आज के दिन में। यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ी घंटी दी है पूजा हमारे गांव के एक दादी और है, ये अपने नाती के नाम से सबसे छोटी घंटी चढ़ा रहे हैं अपने नाती के नाम से। यहाँ पे जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, भक्ति जितनी भक्ति जितनी श्रद्धा, हम भी आज के दान देते हैं यहाँ पे। ये हमारे पूर्वज से चला आ रहा है, नाथनी के नाम से चढ़ाया है।
धारा और नदियाँ
जैसे फूल और बगिया मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ पे मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है चंदा भी तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। काल रात्रि है कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने ज्योत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने दस भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहरवाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि हे कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर को ही करती हूँ मैं एंड भगवान के पश्चात से, और पश्चात के बहुत अच्छा लगा सुबह आ गया था। हमारा मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, हमारा पूजे का टाइम का है और आज 29 स्थापना दिवस था और आज मतदान दिवस भी है। और मैंने सोचा कि आज शायद बसंत पंचमी में यार, मगर बसंत पंचमी का कल है और कल फिर मुझे एक और पार्टी में जाना है, देखूंगी। और पता क्या, मैंने भी सोचा था शायद आज अपने जा पाएंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, पूरी रात से बारिश हो रही थी, बहुत रात से बारिश हो रही थी, तो मैं सोचा शायद आज हम भंडारा नहीं खा पाएंगे, मगर भगवान की इतना महिमा है कि बारिश रुक गई सुबह, ओले भी बहुत गिरे। और मैं सुबह आ गई थी यहाँ पे 10 बजे आ गई थी, 10 बजे आई, हवन भी अच्छे से करा, पूजा पाठ भी अच्छे से करा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये ना नया सारा तो नया नया चीज कर रही हूँ, तो ओके अब मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड आप लोग को पसंद आए मेरा ब्लॉग या मेरा चैनल जो भी है, और जो भी गलती है सॉरी। और अभी मैं स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत कुछ गलती हो जाती है ना दादी, मैं चम्मच लेने आए थे चले दादी, मगर मैं सब ठीक है ख़त्म कर दूँगी। हाँ और अब मैं वीडियो ही एंड कर दूँ, आपको अच्छा बात लाइक करें शेयर जरूर करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और जल्द मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर मिलूँगी। अब यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ हो रही है, अब हमारा अब हम खड़े होंगे कहीं तो कोई दूसरा बैठेगा। बाय।